गोरखपुर के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि आगामी 30 जुलाई को प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा के दिन किसी भी अन्य परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गोरखपुर दौरे के दौरान मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुल सचिव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की आगामी परीक्षा के दौरान सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। परीक्षाओं को इस प्रकार संपन्न कराया जाए कि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं आने पाए। नकल विहीन परीक्षा के लिए सरकार की प्राथमिकता बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जानी चाहिए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का हर हालत में अनुपालन कराया जाए। महाविद्यालयों के प्रबंधकों के साथ भी बैठक करके कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्य योजना भी तैयार की जाए। उन्होंने मंडलायुक्त से कहा कि गोरखपुर मंडल के अन्य जनपदों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिला प्रशासन से भी तालमेल स्थापित कर लिया जाए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की एक बार पुनः जांच कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षा की अवधि अधिकतम 1.5 घंटे ही रखी जाए। उप मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि आगामी बीएड परीक्षा हेतु जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराई जानी चाहिए। बीएड परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की पर्याप्त तैनाती की जाए। हर परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि ऑनलाइन क्लास के दौरान कम से कम 1/2 घंटे की अवधि में बच्चों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने शिक्षक व शिक्षकतर कर्मियों की कोविड से मृत्यु स्थिति में मृतक आश्रित को नौकरी एवं बकाया देयों को तत्काल भुगतान करने का भी निर्देश दिया। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा के सांसद रमापति राम त्रिपाठी के पैतृक आवास ग्राम झुड़िया पहुंचकर पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और उनके चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित किया।